अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज 7वें रोज़े की सहरी है और बहुत कोशिश करी हमने पहले रोज़े से, एक दिन पहले व्लॉग बनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मसरूफियत की वजह से हम बहुत मसरूफ़ थे और बना नहीं सके। अब हम स्टार्ट ले रहे हैं आज से 7वें रोज़े से, और ये सहरी का वक्त है और इस टाइम 4:15 हो रहे हैं। अब तैयारी हो रही है हमारी सहरी की, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। और आज जो है ना सहरी का वक्त, देखो 4:30 का टाइम हो गया और टाइम है कम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद दोबारा से आप लोगों के सामने आई हूँ व्लॉग लेके। तो ये है कि ना आज रमज़ान की 7वीं सहरी है। सोचा था कि रमज़ान शुरू होने से पहले ही हम लोग व्लॉग स्टार्ट करेंगे और आपको रमज़ान की रूटीन दिखाएंगे, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं बना सकी व्लॉग। तो ये है कि आज रमज़ान की 7वीं सहरी है और आप लोगों को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। और जो है ना क्या कहते हैं, अब मैं सहरी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। और वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया आज थोड़ा सा, लेकिन ये कि आपको इंशाल्लाह हम रमज़ान की पूरी रूटीन अपनी दिखाएंगे सहरी से लेके अफ्तारी तक की। तो चलिए हमारे साथ ही रहिएगा। अब मैं पराठे शुरू करती हूँ बनाना, क्योंकि 4:15 से ज़्यादा का टाइम हो गया है। कितनी देर लगेगी मैम? बस थोड़ी देर लगेगी, मैं पराठे बना रही हूँ। सालन में क्या है? सालन में कड़ी है, अम्मी के घर से कड़ी आई थी, वो है ये। हाँ, ये कड़ी ना अम्मी कैसे आई थी, ये गर्म तो कर रहे उसको। मैं कर रही हूँ अभी, बस मैं पहले पराठे बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना ऑमलेट बना दो। ऑमलेट बना नहीं दो बेटा, आप अंडे निकालो जाके और आके हमारे साथ बनवाओ, टाइम कम है यार। तो थोड़ा जल्दी उठना था ना। नहीं नहीं सही है, हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि अंडे लेकर आओ और अंडे बनेंगे आज। पता है वैसे भी गर्मी बहुत थी दिन में ना, लोग यही कह रहे थे, आज जो है ना गर्मी ज्यादा थी। अच्छा, अल्लाह रहम करे, अंडे खा रहे। ठीक है, पहनी बनाओ। पहनी नहीं बनाओ भाई, नहीं खाते बच्चे ज्यादा शौक से ना। नहीं खाओगी? क्यों? चलो ठीक है, बीच में बस पता नहीं क्या हो गया था। अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगी ना मैं बनाऊंगी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेली व्लॉग जरूर जरूर व्लॉग बना के दिखाऊंगी आप लोगों को ना। कोशिश करूंगी पूरी अपनी, बस ये कि आप लोगों को भी जरा सपोर्ट करना है प्लीज। आप लोग ना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और लाइक्स करें, और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वॉच करें। छुट्टी भी मुझे किधर रख दी? किचन बहुत छोटा है। नहीं इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए इंशाल्लाह। अब करिए ना कोशिश, तो फिर पूरी करेंगे उसको ना। या अल्लाह, क्या सर? नहीं, फिर वो नमाज में जो है ना, फिर मुंह से कहते हैं कि फिर वो फरिश्ते भी तंग होते हैं और नहीं जाना चाहिए मस्जिद में प्याज खाते। क्या कहते हो, डालू प्याज? नहीं नहीं डालू ना, हरी मिर्ची भी नहीं डालना, डालनी है तो एक आध हरी मिर्च डालो। दिखाओ भाई, बना लो, अच्छा बना लो जल्दी से, टाइम नहीं है इतना ना। सही कह रहा तुमने, सादा सा ऑमलेट बना लिया। हाँ, ये बच्चे शौक से खाते हैं ना। ना प्लेट देना जरा, ये लो। पानी नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है। बिस्मिल्लाह, आ जा भाई, अच्छा यार सहरी कर लो, टाइम कम मिल जाएगा। 5 मिनट है। हाँ तो चलो बच्चों जल्दी से सहरी शुरू करो। आ जाओ भाई, बैठो। किसान कहाँ है? किसान आ रहे हैं, वॉशरूम आ रहे हैं। इसमें दायर माने आ जाओ मिलता। ये कड़ी आई कहाँ से? ये अम्मी के घर से आई है कड़ी। अच्छा, अम्मी कैसे आई थी? इसमें दायर आ जाओ, तेजी आ जाओ, सहरी कर लो, आ जाओ। एक बात है, रोजे जो है ना, मौसम अच्छा है, इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, सिर्फ आज थोड़ी सी गर्मी थी। वैसे मौसम अच्छा है, लोगों को जो है ना ज्यादा पता नहीं चला, और इंशाल्लाह रमजान अच्छे गुजरेंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि आने वाले 10-12 साल में रमजान जो है वो सर्दियों में रहेंगे। हाँ ऐसा ही है, जब हम बचपन में छोटे थे तो सर्दियों में तो रोजे आते थे, रमजान जो है सर्दियों में आते थे। याद है, मुझे भी याद है। सहरी करते हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। हम नमाज पढ़ के फजर की,
और जो है ना सब अपनी अपनी इबादत में लगे हुए हैं, और उस कमरे में जो है ना ये काशें पड़ रही हैं, ये काशें पड़ रही हैं। और मुनीजा किधर है? मुनीजा कहाँ गई? ये मुनीजा ये चुक गई, ये काशिफ नहीं पढ़ रही, ना ये इबादत कर रही है, ये जो है ना रोज़ाना इस तरह ड्रामेबाजी करती है और रोज़ा भी रख लेती है। तो आप लोग जो है ना कमेंट्स में बताइएगा कि इसका रोज़ा हुआ कि नहीं हुआ। देखा आप लोग? चलो नहीं, रखती है रोज़ा भी, रखती है जुम्मे का नहीं रोज़ा रखती खत्म है तो ये काशिफ क्यों नहीं पढ़ती? पढ़ेगी ना, अभी पढ़ रही है, अभी तो कायदे पे पढ़ लेगी कुरान शरीफ। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं आपसे दोपहर में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। और हम उठ चुके हैं जोहर की नमाज़ के लिए, अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। तो हम लोग उठ चुके हैं और दोपहर की नमाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली है, और अभी जो है ना टाइम थोड़ा सा रह गया है, तकरीबन 3 साढ़े 3 4 घंटे रह गए हैं। हम लोग अभी थोड़ा घर का सौदा वौदा लेकर आ जाऊँ। भाई क्या क्या आएगा? सामान आएगा थोड़ा बहुत ना घर का, तो चल रहे हो जरा मेरे साथ, बाहर का काम है। सामान में बदलू ये तो बताओ क्या सामान क्या में यही आएगा? है, अब इफ्तारी का कुछ फ्रूट वगैरह लेकर आने हैं, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा काम है, बर्तन वगैरह थोड़े से लेने थे, तो चलो मेरे साथ अगर तुम्हें चलना है तो तो अभी टाइम तो है तो देखो, चलो। अभी तो इम्तियाज का तो टाइम है नहीं, अभी तो ये सौदा वगैरह मैं ले आऊँ, अफ्तारी उफ्तारी का कर लें, आने ठीक जाना है? करेंगे इतना, कोई लंबे छोड़ा मुझे सामान नहीं लेना और इम्तियाज इम्तियाज से, में रश बहुत होगा अभी। नहीं होगा। अरे तुम्हें नहीं आम दिन है ना, पता, कोई इतवार वगैरह थोड़ी है। आम दिन की बात नहीं है, ये टाइम ऐसा है इसमें रश होगा, ये रोजे का टाइम है अभी। अभी घर का सौदा वगैरह ले आते हैं, अफ्तारी के बाद चलेंगे, हाँ तो फिर तुम जाओ, मैं नहीं जा रही, मैं अपने फिर से पारा पूरा कर रही हूँ। ठीक है? जाओ जाके अफ्तारी का सारा सामान ले आना, जो भी लेकर आना, और आज रोल वगैरह भी बनेंगे उनका भी सामान लेकर आना। अच्छा हाँ चीज़ जो वगैरह भी बनाए थे वो लाऊं? सब खत्म हो गए थे ना चीज़ भी रोल। लाऊं? हाँ चीज़ रोल, चीज रोल भी बनेंगे, सही है, लेकर आओ। चिकन वगैरह भी लेकर आना, बोनलेस चिकन भी ले आना। चिकन तो मैंने लाके रखी हुई है ना। हाँ बस, तो ठीक है, अफ्तारी का सारा सामान ले आओ फिर। अच्छा हफ्ते का सारा सामान लेकर आऊं? हाँ अच्छा तुम्हें बताऊं एक सरप्राइज, क्या? तुम तो सो रही थी, मैं स्कूल गया और बच्चों का जो है ना रिजल्ट भी लेकर आ गया और कोर्स भी सारा लेकर आ गया, कहाँ है? दिखाऊं? हाँ ये देखो, इसमें रिपोर्ट कार्ड भी है, बच्चों का रिजल्ट भी है। ये सो रही है भाई बेखबर। मैंने कहा अब इनकी क्या मैं नींद खराब करूं, मैं ही जाऊं और लेकर आ जाऊं, जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना सारा सामान वामान लेकर, अकेले ही उठा के ला भी नहीं सकती थी, बहुत भारी सामान था। ये देखो जी, ये किसका रिजल्ट है? मुनीजा का है। क्या है ये मुनीजा का रिजल्ट? क्या है मुनीजा का है? ग्रेट ए आया है, 83% आई है मुनीजा की। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। और फाइव क्लास में चली गई मुनीजा। और पैसे भी निकालो लो। कोर्स में लिया है कंप्लीट ना सबका, और सिर्फ बुक्स रह गई हैं। किसकी? इन लोगों की। मुनीजा की आ गई? मुनीजा की तो मैं कंप्लीट लेकर आया हूँ ना। चलो ठीक है, शुक्र है, इस दफ़ा पहली दफ़ा मिल गई। सही है, तहरीम का रिजल्ट है 7th क्लास का ना, 7th क्लास का आया ना तहरीम का रिजल्ट? तहरीम का आया, 86% आई है तहरीम की ना, माशाल्लाह इसकी भी सही है। तो मतलब लिखी हुई है? ये रही 86, ये रही 86, तो मतलब सबसे ज़्यादा मेरी आई है माशाल्लाह, 89.94। ये तहजीब की है, मुनीजा के रिजल्ट में कितने परसेंटेज आई है? 83 जबरदस्त। लेकिन मुनीजा बीमार भी तो हो गई थी ना, मुनीजा बीमार हो गई थी, मुनीजा को टाइफाइड हो गया था ना जब उसके फाइनल पेपर हो रहे थे। हाँ ये तो है, बीमार हो गई। क्या लिखा हुआ है? तहजीब मेंटेन एन इंप्रेसिव लेवल ऑफ फोकस एंड अटेंटिव अटेंशन टू डिटेल इन असाइनमेंट्स। बहुत अच्छा रिजल्ट आया माशाल्लाह, सही आ गया। तो जी बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और बहुत काबिल हैं माशाल्लाह, बहुत जिम्मेदारी से बहुत अच्छे तरीके से ये लोग तैयारी करते हैं, और
पढ़ने में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, और के साल मैट्रिक में उसका तो खैर अभी पेपर होंगे फिर उसका रिजल्ट आएगा। क्या है ये? अच्छा जबरदस्त। बीइंग कोऑपरेटिव किसका है? चलो ठीक है, तुम इसकी तरतीब बनाओ जो भी है, इसको इनके बैग वगैरह में डालो। ठीक है जी, फिर हम लोग जो है ना अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ा सौदा सौदा लिया हूँ मैं घर का, पकौड़े शकोड़े रोल शोल ये वो सब बनाना है। ये लाके मैंने कुर्सी पे रख दिया था, तो वो मैंने सब छुपा छुपू के रख दिया था सरप्राइज देने के लिए। चलो ठीक है, सही है ठीक है। चलो बैठो, आ जाओ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा आज हम लोग की पूरी मसरूफियात सहरी से लेकर अफ्तार की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करी हम लोगों ने। और रमज़ान बहुत टफ़ एक दिन होता है ना, ना टाइम का पता चलता है, और अल्लाह का शुक्र है जैसा मौसम है ना उसका रोज़े का पता चल रहा है। बहुत अच्छे रमज़ान गुजर रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक का एहसान है। और आपका रोज़ा कैसा गुज़रा? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, माशाल्लाह सात रोज़े हो गए, लेकिन ये है कि पता नहीं चला है। और कहते हैं एक रोज़ा तो मुनीजा ने भी रखा है, जुम्मे का मुन्ना मुनीजा जो है ना हमारी जुम्मे जुम्मे का रोज़ा रखेगी इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इस मिलते हैं आप लोगों को अपने अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। इसकी हम सोच रहे हैं कि रोज़ा खुशाई करें, इसलिए एक रोज़ा रखा है। आप लोग कमेंट में बताएं कि हम इसकी रोज़ा खुशाई करें के ना करें या अगले साल करें, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, कल की रूटीन शेयर करेंगे आपके साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, अच्छे अच्छे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।